टू वर्ड्स अटिक्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरी बहुत सारे पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट जब अपनी फ़िलासफीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी थेरीज को देते हैं तो जहाँ उनकी इम्पॉर्टेंस के ऊपर डिबेट होती है वहाँ डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे डायमेंशन और एंगल्स होते हैं जिनके ऊपर क्रिटिसिजम भी डिवेलप होता है और किसी भी फिलोसफी को तब तक हम कॉम्प्रिहड नहीं कर सकते जब तक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेल्यूएट करने के साथ साथ उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड ना करें सो वी आर गोइंग टू हाईलाइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरी बाय सो दिस क्रिटिक हैज बीन लेड इन रीसेंट टाइम्स रिपीटेडली बाय मैनी फिलॉसफर्स दैट दिस इज बेसिकली

के जो फंक्शनिंग है किसी भी सिस्टम की हो रियासत की हो सोसाइटी की हो उसके अंदर जितने कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का लेवल कैसे डिटर्मन होगा और कैसे मुमकिन है कि हर कोई उसके ऊपर तैयार हो कि अपने रोल को कंसाइज अगर करना है तो सिस्टमेटिकली कंसाइज हो जाए बिकॉज दिज ऑल आर द रियलिटीज़ दैट देयर आर वेरियस एसोसिएशन institutions as well as the processes and they all need a balanced dimension and a balanced approach and when they have to function then definitely there arises various questions and various puzzles so uh, when uh, political sociologists they talk about the functioning of the system then as uh,

हासिल करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव है क्या इनके दरमियान इतनी कोऑर्डिनेशन है कि एजुकेटेड लोगों की एडजस्टमेंट हो सके अगर नहीं है तो फिर उस माशरे के अंदर फंक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे अगर एजुकेटेड लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तब भी सवाल उठेगा देन सेम वी कैन हाईलाइट एनदर एग्ज़ाम्पल दैट एज द रिलीजियस फंक्शंस एज एन एजेंट ऑफ इंटेग्रेटिंग डोमिनेटिंग वैल्यूज़ जितने भी वो लोग जो मजहबी तौर पर जो अपने फरस को या उनका रोल होता है कि वो मजहबी अकायद को प्रमोट करते हैं क्या वो पूरे माशरे के अंदर इंटेग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं यानी उनका बुनियादी मकसद तो मजहब की तबलीग है लेकिन उसका आउटकम क्या है क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी बुनियाद पर फर्दर तफरीक पैदा हो रही है माशरे के अंदर तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरी है जब हम ये देखते हैं कि कुछ फंक्शन प्ले करते हैं रोल प्ले करते हैं लेकिन उसके आउटकम के साथ वो रोल मैच नहीं करता तो यही बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी तनकीद है जो इस थैरी के ऊपर की जाती है सो so, Uh, these uh, approach lead towards difficulties and uh, there we can uh, put a question on uh, this uh, approach also that uh, in, in england there were trade unions and uh, when the trade unions they have uh, they had a strike and then what kind of influence they actually have on the

सिर्फ उस मुल्क के ऊपर उसका इम्पेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होता बल्कि कई दफ़ा दूसरे मुल्क भी उसके अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं तो इससे हम जो बात एज पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड डेट देर आर मैनी केसेज एंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन अपोजिंग पोलिटिकल पार्टीज अपोजिंग पोलिटिकल ग्रुप्स दे ट्राई टू uh create some problems for the functioning of a political system sometimes they get the success to overthrow the uh, political system but sometimes these opposing groups oppositional groups they are uh, even uh, uh, try to have a new uh, political system यानी हम ये बात इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरी के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुमालिक में जो ऑपोनेंट ग्रुप्स होते हैं वो एहताजी सियासत भी करते हैं उस सियासत का मकसद ये होता है कि वो सिस्टम को चेंज कर लें बाओात उस एहतजाज की वजह से सिस्टम चेंज हो जाता है बाज़ सिस्टम चेंज नहीं होता लेकिन सिस्टम के अंदर जो हैं डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं का सिस्टम ख़ुद को इम्प्रूव कर लेता है यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थेरी है इसमें बहुत सारे ऐसे कंबाइनिंग फीचर्स हैं जिनकी वजह से जो सिस्टम है वो चलता रहता है और फिर उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डिसफंक्शनल हो जाती हैं और फिर उस डिसफशनलिटी uh, की वजह से सिस्टम के अंदर बहुत सारी हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं और सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो डिसफंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ड्यू टू देयर बैड परफॉर्मेंस और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स इस सब का आउटकम ये होता है कि जो सिस्टम के अंदर जो परफॉर्मेंस सिस्टम को देनी है वैसी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती और उसका आउटकम ये होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरी जो है उसके अंदर जो सोशियोलॉजी के जो बेसिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और फंक्शनलिज्म प्रॉपरली नहीं होता बल्कि जब चीज़ें डिसफंक्शनल हो जाती हैं यानी अदारे काम नहीं कर पाते सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता तो फिर सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट राइज करता है और ये नेचुरल है कि जहाँ कहीं कारदगी नहीं होगी जहाँ मुख्तलफ़ एलिमेंट्स अपनी अपनी हदूद के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स राइज भी करते हैं और ऐसे इश्यूज जो हैं वो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं तो ये आ, किसी भी माशरे के एनालिसिस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे कोई भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर उसने माशरे को समझना है तो जहाँ उसने फंक्शनलिज्म को समझना है वहाँ उसे ये भी देखना ज़रूरी है कि डिसफंक्शनल चीज़ें कैसे होती हैं